बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तसव्वुर सियाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से खुशबाश हंसते बसते ठीक ठाक होंगे। हम भी आप लोगों की दुआ के साथ ज़बरदस्त फटफाट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साहब माशाल्लाह से तरक्की कर गई हैं और मेरा मुशक्कत का काम शुरू कर दिए। ये सिर्फ ना इस तरह के जाले पकड़ने वाले पकड़ के बैठी रहती हैं और कुछ नहीं करती। सलाम दे दो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और थोड़ा सा काम करके थक गई हूँ। किसी और ने तो करना नहीं होता तो मैंने सोचा मैं ही कर लूँ। सदके वारी जावा। हाँ अच्छा, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये काम करें, लेकिन ये अब उन्होंने मुझे पकड़ाना है कि ना ले मेरा चंद पकड़ जाले ला। कितना पता है बंदा खुद कर ले फिर किसी के कहने से पहले के। अब बेगम आप बताओ, बेगमों का पता नहीं है आप लोगों को? जिशर ही ना करो। बेगमात हमेशा ऐसे ही करती हैं कि ये पकड़ के बैठती हैं, इसलिए उतारने के लिए नहीं, शोर आएगा तो उसको पकड़ाने के लिए कि चल मेरा चंद शुरू हो जा। वैसे हमने ना ये पंखे वगैरह साफ करने, और आप ये देख रहे हैं ना ये हमारी जो सीढ़ी है, ये आपको लगती है कि थोड़ी सी डेंजरस टाइप की है, तो अभी बच्चे वगैरह पर चढ़ते नहीं है यहाँ पे ना। जाते, बच्चे हाँ। बड़े से आते लेकिन हम इंशाल्लाह 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 जल्दी जल्दी ठीक है। कुछ अरसा है उसके बाद हमारे घर का काम शुरू हो जाएगा और हम भी मसरूफ हो जाएंगे और आप हमें देख के मसरूफ हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसलिए जिक्र नहीं करते कि हमने घर का काम करवाना है। जब शुरू करेंगे ना तब आप लोग इंशाल्लाह ताला देखेंगे। और बेहतरीन कोशिश करेंगे कि मतलब ना कम खर्चे में अच्छा वाला बना लें, अच्छी वाली सेटिंग कर लें। तो चले जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, तो हमारे यहाँ तो सर्दियाँ आ गई हैं, ठंडी ठंडी सर्दियाँ और गरम गरम चीज़ें। तो गरम चीज़ों में अब ये देख लें, ये एक पेटी भी पड़ी है उसके ऊपर दो संदूक भी पड़े हैं। हाँ। तो इस पेटी में है गरम गरम बिस्तर, पकौड़े नहीं बिस्तर। ठीक अच्छा। है ना, आपने पकौड़े कहना था, है ना? नहीं नहीं, मैं पकौड़े कहना था भाई, हमने पकौड़े पिछली गर्मियों के रखे हुए हैं तो अब निकालने हैं। वैसे कोई पता भी नहीं है इनका, ये हो सकता छुपा के रखे हो। तो जी बिस्तर निकालते हैं गरम गरम बिस्तर। अच्छा, हमारा जो कुल सरमाया है ना, वो ये पेटी दो संदूक। हाँ। ये जहेज है मेरा। ये जहेज है मेरा। हाँ। तो अब ये है कि ना, और बरी में मुझे सिर्फ तसव्वुर मिले थे। गलत क्या मैंने? हाँ बात वैसे ऐसे ही है। हाँ देखे, मैंने गलत कभी नहीं कहती। ये मतलब जो जहेज, टोटल जहेज। हाँ, ये वो पेटी और दो संदूक और हाँ। बरी, टोटल बरी तो सवार है। इस पेटी में एक ये भी था स्टैंड भी। हाँ, ये वाला। हाँ। और एक ये भी है, क्या नाम नहीं है? जो उसी टाइम आया था, जहेज होता है जो भी शादी से दो तीन दिन पहले पहुंचती हैं चीजें। हाँ, उनमें ये वो थी। हाँ, बर्तन वगैरह को छोड़ के ना ये वाले थे। और भी चीजें थी लेकिन वो जरा ना साइड पे करके ना ये वाली बता रहे हैं अभी। जो ये अब ये उतारो, ये मैं उतारू? प्यार से उतारना। हाँ, इनका सामान है तो प्यार से तो उतारना पड़ेगा। क्योंकि असल में इनके सामान से ज्यादा कीमती ये थी, तो ये मिल गई, इसके सामान का तो कोई मसला भी नहीं है। नहीं, 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 ये तो डायलॉग है, ये ना मिला होता तो बात भी कहते, कुछ लाई भी थी। वैसे भी इमरान खान ने पाबंदी लगा दी है, उसने सुन लिया ना कि आपने जहेज लिया है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अगर वो इनाम दे ना किसी को के मतलब ना कम जहेज वाले जोड़े की तरह, तो हम उनको इनाम देते हैं, हमें इनाम मिलेगा। अगर वो इनाम दे के बरी किसी को मिली है या नहीं तो वो मुझे देंगे, क्योंकि मुझे सिरे से बरी नहीं मिली थी। तो पकड़ें जी, इसको उतारते हैं जी। ओह, मुझे ही उतारना पड़ा है। ये उतार दिया, ये शावर पड़ा है, शहरी से छुपाया है मैंने। हाँ हाँ। आगे लेके आगे 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 इधर बनाओ जी। तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? गरम गरम समोसे। गरम 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 समोसे नहीं, हम निकालने जा रहे हैं गरम गरम रिजाइयां। हाँ। क्योंकि धुंध आ चुकी है और फोग भी है। हाँ जी। तो उससे ना मतलब सूरज बहुत कम निकल रहा है हमारे एरिया में, तो इसलिए हमें रात। हाँ। अभी ओपन ओपन हमारा घर है, इतना सामान भी नहीं, तो ना ठंड थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा फील होती है, तो हम वो निकाल लेते हैं। और सारे कहते हैं कि आपकी बेगम को घर बनाने का शौक नहीं है। ए, मेरे पैसे। ये देखें जी, ये पैसे निकले हैं। ये पेटी वो वही जगह होती है जो तिजोरी का काम करती है, ठीक है ना? 50 है बल्कि।
ये मैंने आपसे डबल करके ले लेने, आपने मेरे पैसे बच्चों को दे दिए, ठीक है ना। तो अब हमारा जी फाइनल सीन, अब आप लोगों आंखें बंद करके देखें जी, हमारी पेटी खुलने जा रही है। तो ये ना कहना के अंदर क्या 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 क्या, क्या है कपड़े। ये बस एक जूते नहीं रखे, उधर से खोलो जी। तो ये सामान में से एक भालू निकला है। जी तो ये हमने ना जो गर्मियों की है ये अंदर रख रहे हैं ऐसे ही ना। सबसे पहले तो ये बच्चों के कपड़े निकालो। ये नहीं, ये हैं गर्मियों के कपड़े, इनको मैंने ये टैग लगा टैग करके ना एक शॉपर में डाल के बच्चों के रख दिए, ठीक है। ये निकल आए सर्दियों के बच्चों के, ये देखेंगे शहरी का अपर वगैरह है, दुरेस का है। और तो ये मोटे कपड़े हैं और इनको लगवानी है, ठीक है ना। ये डालने हैं तार पे बाहर धूप पे, धूप तो है नहीं, जो थोड़ी बहुत है वो तो लग जाएगी ना। अब आपके निकालो। हाँ मेरे निकालो। ये तो सवर के हैं। हाँ ये मेरे रत्ते मेरे हैं। हाँ जी ये मेरे हैं। हाँ ये आपके हैं। ये इसके साथ की शलवार है। ये आपकी जर्सी है। वाह हाय हाय, इस जर्सी को बड़ा अरसा हो गया है, स्वेटर सी है। क्या थब्बा सा निकाले जा रही हो। गरम कपड़े हैं ये, सारे गरम कपड़े हैं। हाँ जी ये तो आपने ढेर लगा दिया चारपाई पे। अभी ये बाहर रखेंगे ना फिर। ठीक है ये भी सारे गरम है। माशाल्लाह 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 जी। और कौन से नहीं है, नहीं पहनने वाले। हाँ। जी तो ये अब हमारी रिजाई, ये हमने नई रिजाई में बनवाई थी पिछली सर्दियों में है। तो इंशाल्लाह इस पिछली सर्दियों में इस्तेमाल की थी हमने। हाँ बस जितनी जरूरत थी वो की थी। हाँ। ये देखें जी ये वेलवेट की, और ये एक रिजाई 5,000 की बनती है लगभग, बहुत महंगी। जी तो ये है डबल बेड की रिजाई। दिखाओ भाई ये। जी तो ये हमारी डबल बेड की बड़ी रिजाई है, ये देखेंगे। ये देखें। ये और इसको भी धूप में रखना है। हाँ जी ये आप लोगे ना और जुरेज। बाकी हमारा जी पेटी में ये सरमाया बच्चा जी। हाँ जी एक कवर के बगैर तुलाई पड़ी है, और ये दो तुलाइयां हैं जी नई बनवाई थी, ये वाली ये अभी तक नई पड़ी हैं बिल्कुल ही, इनको हमने यूज भी नहीं किया। ये भी एक को रख देते हैं। हाँ ये हम रख रहे हैं जो मतलब निकाले थे पहले, मेहमान वगैरह आएगा हमारे घर तो एक उसको मिल जाएगी। इससे ज्यादा मेहमान आए भी नहीं। हाँ इससे ज्यादा आने की कोशिश भी ना करें क्योंकि हमारे पास एक एक मिलेगी, सिर्फ एक मेहमान आए। हाँ एक मेहमान का। और ये नहीं सोच के आना कि भाई हम 5-7 बंदे मेहमान आए तो बिस्तर मिल जाएंगे। फिर एक में ही सोना पड़ेगा 5-7 को। जी तो ये देखिए जी ढेर लगा पड़ा जी कपड़ों का, और ये सारी आपको नजर आ रही है आज की सर्दियों के मौसम की तैयारियां। इधर करो मैं निकालता हूँ चारपाई, आप फिर ना कहना कि बेगम से काम करवाते हैं। फिर ये ना बाकी कहें कि भाई शोहर से काम करवाती है। हाँ, शोहर तो बेचारा हमेशा ही काम करते हैं ना। पता नहीं किस खुशफहमी में रहते हो। हाँ। ये जी हमने धूप पे चार पाइयां डाल दी हैं, और अब आज का दिन ये सूखेंगी धूप पे, मतलब हवा शवा लग जाएगी ना रिजाइयों को। ये ना एक वॉच निकली है अंदर से,
इसका तो हमें याद भी नहीं था। तो ये ना मुझे गिफ्ट मिला था कहीं से, ये एक परफ्यूम भी पड़ा है। वाह जी वाह, एक परफ्यूम निकला अंदर से हैं। बस करो, ये चीजें ऐसी पड़ी रहती हैं। अच्छी है, प्यारी है, खुशबू प्यारी है। शाबाश, इसका डब्बा भी बड़ा जबरदस्त है। एक ये है, एक फिर ये इसमें है। ये भी आपका गिफ्ट है। हाँ, ये भी गिफ्ट आया था मुझे। तो बिस्तर निकाल लिए, धूप पे डाल लिए, कपड़े भी निकाल लिए, अब ये बंद करो। ठीक है, अब ये बंद करने लगे। ये तो खाली हो गई है। हाँ, जब सब्जियों के बिस्तर निकल जाते हैं ना अंदर से, तो ये खाली खाली जाती। पहले है बेचारी एक, वो भी खाली हो गई, ऊपर से अब खाली खाली है। तो ये मेरी जैकेट है, ये भी अब मैंने किसी को दे देनी है। दे देनी है, पिछले साल ली है, दे देनी है। नहीं, ये नहीं, खराब निकली है ना, मतलब मजे की नहीं है। ये वाली मजे की नहीं है, अजीब सी है ये। अंदर से भी इसकी हालत खराब है। ये सही थी, ये फिर भी ठीक है। और ये उनके कपड़े लटके हुए हैं, शहरी के सिर्फ। ये देखिए, ये जुरेज का था शहरी पहनेगा, 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 ये जुरेज का है। जी, तो ये ना रेसिपी है, अभी अभी बेगम साहब ने बनाई, ये पड़ी है। तो वो बाहर गई हूँ काम से, तो मैंने कहा थोड़ी सी ना खा लूँ। वो बार लड़ रही है पता नहीं किसी के साथ। वो आ गए खा रहे, बचाया कि खा गए। तो अभी तो वही एक ही खा रहे हो। अभी तो मैंने शुरू किया था, अपन आ ही गए। ओए आराम से। हाँ नहीं, जबरदस्त बने इसमें ना। इन्होंने वो पास्ता क्या, मैक्रोनी। हाँ, मैक्रोनी भी डाला हुआ है। ये देखिए, हाँ इसका ना बहुत मजे का टेस्ट आ रहा है। जो ये गाजरे वगैरह ऐड किए ना, इससे तो ये लाजवाब हो गया। ऊपर से चीज भी डाली हुई है, वाकई लाजवाब रेसिपी बनी है। अच्छा ये बताओ, अगर ये मेहमानों के सामने रखे, मैं कहता हूँ, मैं आज आपको कसम खा के कहता हूँ, अगर मेहमानों के सामने आप रखो इस तरह की बना के डिश, ना वो आपकी तारीफ करें, बल्कि घर जाके वो अपनी बेगमों के साथ लड़ेंगे, ये हमें तो वो बना के दो बहुत। ऐसे ही होगा, शायद इसमें कोई लड़ाई का नहीं, लड़ाई का नहीं शामिल है। हमें तो वैसी रेसिपी बना दो जैसे वो बनी हुई है, मतलब इतनी लाजवाब जबरदस्त किस्म की है। चीजी चिकन है इसमें, इसमें वेजिटेबल्स हैं, इसमें ब्रेड है। ऐसे तोड़ के खाओ। और सबसे बड़ी बात है कि भाई ये देखो शक्ल, हाँ ये देखिए शक्ल, और खासकर शक्ल में बहुत जबरदस्त है, मतलब देखने की बहुत प्यार है। आ जा गंदा आ गया बच्चा। ओ ये मट्टी में देखा है, खेल खेल के आए। जी तो व्यूअर्स, ये अब सूखेंगी धूप पे, और हाँ आप भी थक गई हो और हम भी रेस्ट करते हैं, तो ये धूप पे आगे का दिन सूखी रहेंगे, मतलब पड़ी रहेंगी, सूख जाएंगी। तो नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दे, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।